गुड इवनिंग दोस्तों, आज जो 19 जुलाई है, 19 जुलाई में 52 बैंक एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने। तो आज के दिन में फैमिली पेंशन और अपडेशन पेंशन का जो जो न्यूज हुआ है तो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए और टिल एंड तक देखिए। सो गुड इवनिंग दोस्तों, आज बैंकिंग न्यूज 19 जुलाई है दोस्तों। बैंकिंग जुलाई में आप तो जानते हैं 19 जुलाई में जो 52 एनिवर्सरी होने वाला है, तो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ, दोस्तों मेरा चैनल का नाम है नॉलेज आईक्यू टीवी, और प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा चैनल को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है दोस्तों उसको इनेबल करके रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी वीडियो मेरा चैनल में अपलोड करते हो तो तुरंत आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। सो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा चैनल का नाम है नॉलेज आईक्यू टीवी। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम में भी, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मेरा चैनल का नाम है नॉलेज आईक्यू टीवी। दोस्तों अभी आज 52 एनिवर्सरी ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन डे है, आज के दिन में बैंक नेशनलाइज हुआ था दोस्तों। तो आज के दिन में जो जो डेमोस्ट्रेशन किया गया है, जो जो मीटिंग हुआ है दोस्तों, जो स्ट्रेंथ है पब्लिक सेक्टर बैंक का, जल्दी से जल्दी उसको किस तरीके से हम इंक्रीज कर पाए स्ट्रेंथ को, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, रिकवर बैड लोन्स, पब्लिश लिस्ट ऑफ बैंक लोन कंस्ट्रक्शन, टेक क्रिमिनल एक्शन ऑन जो लोग क्रिमिनल एक्शन किए इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बैड बैंक इज बैड आइडिया, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स, रिड्यूस सर्विसेज चार्जेस, स्पॉन्सर बैंक टू टेक ओवर RRBS। ठीक है, तो दोस्तों आज के दिन में जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो मीटिंग हुआ है और जो प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली सब जगह में प्रोटेस्ट हुआ है दोस्तों, जो ट्विटर कैंपेन भी शुरू हुआ था, तो ट्विटर कैंपेन में जो इम्पोर्टेंट सा टॉपिक था वो था बैंक बचाओ देश बचाओ, ये चीज को लेके ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और आज बैंक का 19 जुलाई है दोस्तों, और आज के दिन में 52 एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने। और जो जो दोस्तों इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, आप इधर में इम्पोर्टेंट सा टॉपिक देख सकते हो दोस्तों, इसको लेके प्रोटेस्ट शुरू हुआ है दोस्तों। आज के दिन में सेकेंड टॉपिक है गुड न्यूज फॉर बैंक रिटायरीज। दोस्तों बहुत ही एक अच्छा गुड न्यूज आया बैंक रिटायरीज के लिए, क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी है NCBE का, तो उन्होंने एक कमिटी गठन किया है 17 जुलाई में, किस तरीके से जो पेंशन अपडेशन है, IBA हैज एग्रीड, क्योंकि IBA मान लिया है दोस्तों जो हमारे जो रिटायर्ड पेंशनर का पेंशन अपडेट है, जो स्पेसिफिक मीटिंग होने वाला है दोस्तों IBA और UFBU के साथ, इज टू बी हेल्ड शॉर्टली। तो बहुत जल्दी ये मीटिंग शुरू होने वाला है दोस्तों, और 14% जो NPS कंट्रीब्यूशन है एंड फैमिली पेंशन उसको भी लेके IBA ने एग्री किया है। तो जल्दी से जल्दी UFBU के साथ IBA एक एग्रीमेंट में बैठेंगे और IBA के साथ ए वाला जो इशू है इसको लेके डिस्कस भी होने वाला है दोस्तों। तो RK शर्मा जी जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया PNB स्टाफ फेडरेशन का, उन्होंने ये बात क्लियर किया है दोस्तों। अभी देखते हैं क्या होता है दोस्तों, क्योंकि एक अच्छा तो गुड न्यूज़ है ही, क्योंकि IBA ने सब कुछ एग्री कर लिया और IBA ने UFBU के साथ मीटिंग में बैठने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ वो जो जो इशू है सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं मीटिंग को। तो दोस्तों जो सेकेंड टॉपिक है आज के दिन में, HR एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन पेंशन बाय 10149 जुलाई 19, 2021 को दोस्तों एक पत्र लिखा है दोस्तों पेंशन स्कीम इन बैंक के लिए, फिर IBA को, और IBA भी इस बारे में
जो एमडी और एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक है इसके साथ मीटिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो मीटिंग होगा 22 जुलाई को, जो बाइपार्टाइट हुआ था और जो 30% फैमिली पेंशन अभी भी मतलब इसके बारे में कोई भी पेंडिंग इशू चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करके जो अगर फैमिली पेंशनर को जो प्रॉब्लम हो रहा था दोस्तों, इंक्रीमेंटल कम्यूटेशन और फैमिली पेंशन 30% हाइक, मुझे लगता है जल्दी से जल्दी हो जाने के बाद बहुत हो जाएंगे, ऐसे ही तो हम मान सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो बाइपार्टाइट टॉक्स विल बी हेल्ड बिटवीन आईपीए एंड आईबा ऑन 22 जुलाई ऑन पेंशन इशू एंड अदर इशूज, क्योंकि दोस्तों जो बाइपार्टाइट टॉक होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा न्यूज़ है आईपीए के साथ। एआईबीए का जो मीटिंग होगा दोस्तों 22 जुलाई को होगा, क्योंकि 22 जुलाई में जो जो मीटिंग होगा दोस्तों, तो और उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ है दोस्तों, सब कुछ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे अगर एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आ गया तो। तो एआईबीए भी बता रहे हैं जो आईबीए के साथ उसका मीटिंग होगा, सिर्फ एआईबीए नहीं है, एनसीबीई, NOBW, INBEF सबके साथ मीटिंग होने वाला है दोस्तों 22 जुलाई, क्योंकि 22 जुलाई एक वाइटल मीटिंग होने वाला है पेंशन इशू को लेके। उसके साथ साथ जो एक्स ग्रेशन अमाउंट है और 14% NPS कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में भी एक गुड न्यूज़ आ सकते हैं दोस्तों। जब भी ये न्यूज़ आएंगे 22 जुलाई में, तो बहुत जल्दी मेरा चैनल में हम अपलोड कर देंगे ये वाला न्यूज़ को। तो देखते हैं दोस्तों 22 जुलाई को क्या होता है, इसके बारे में मैं 22 जुलाई को ही आपको अपडेट दे पाऊंगा, क्योंकि बाइपार्टाइट का जो टॉक्स है वो होगा वाइटल आईपीए के साथ, जो आपका 4 यूनियन मेंबर्स है इंक्लूडिंग ऑल इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उसके साथ 22 जुलाई पेंशन इशू के लेके एक मीटिंग होने वाला है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मेरा नॉलेज आईक्यू टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ आप लोग मास्क पहन के बाहर जाइए दोस्तों, विदाउट मास्क आप लोग बाहर मत जाइए। थैंक यू सो मच, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट टॉपिक को लेके जल्दी से आएंगे, और 22 जुलाई में जो पेंशन इशू के बारे में कोई भी न्यूज़ आया तो बहुत जल्दी मैं इंस्टाग्राम नहीं तो यूट्यूब में पोस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बनाना चाहती हूँ 22 जुलाई में। थैंक यू सो मच, आज का वीडियो ही खत्म करते हैं, थैंक यू।